सर, इस टाइम हमारे साथ लाइन पर जो साहब मौजूद हैं हमारे साथ मजीद प्रोग्राम में आगे डिस्कशन के लिए, उनका छोटा सा तारुफ मैं आपको देता चलूं। बाकी तो वो डिटेल्स वो अपने खुद बताएंगे, मगर छोटा सा एक तारुफ मैं आपको बता देता चलूं। खालदार ऐसा साहब और आयशा खान साहबा को हम जानते हैं, हमारे पुराने एक एसेट्स में से उनके पोते हैं आप, और 10 दफा आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीत चुके हैं और आप अपनी 2 फिल्में रिलीज कर चुके हैं। तो हमारे साथ इस लाइन पे मौजूद हैं शॉन अली साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉन अली साहब, कुछ हमें अपनी डिटेल्स या आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को, कुछ आप यानी कराची लाहौर इस्लामाबाद में सुना जा रहा है आपको, कुछ अपनी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। मैं सबसे पहले तो कराची लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो कनाडा में गुजरी है। मैं वहाँ पला बड़ा, पढ़ाई मैंने वहीं की है, और उसके अलावा ये अभी पाकिस्तान के अंदर मेरा पहला वेंचर है ये, जिसका नाम एक मूवी मैं बना रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह अक्टूबर में रिलीज हो जाएगी, फातिमा द मूवी के नाम से। तो ये है, और बेसिकली बाहर मैंने बहुत काम किया है, हॉलीवुड में बहुत काम किया है, बॉलीवुड में भी मैंने जाकर असिस्टेंट डायरेक्टर के बतौर काम किया है। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट करने में जो है वो एक किरदार अपनाया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसी के साथ साथ शौनाई साहब बताइएगा कि हमारे यहाँ इस सेक्टर में जो अभी जिस तरह से करंट क्राइसिस हम देख रहे हैं कि छोटा एक क्राइसिस ही इसको कह लें कि दूसरे सेक्टर्स में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पोजीशन थोड़ी सी क्रिटिकल चल रही है, तो आपके सेक्टर में किस तरह से आप देखते हैं, क्या पोजिशन है? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो ये है कि हमारी आवाम जो है उसको पाकिस्तानी फिल्मों से दूर रखा जा रहा है। बहुत कम अवेयरनेस है, मीडिया जो है बहुत कम चैनल रहते हैं या बहुत कम रेडियो चैनल रहते हैं जो कि हमारी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं लोकली। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब तक आप अपनी फिल्म में कोई बड़ा नाम ना रख लें, मिसाल के तौर पर आप शान साहब को ना रख लें या मोहम्मद राना साहब को ना रख लें या रीमा को ना रख लें, तो वो लोग देखने भी नहीं जाते। और आजकल लोगों का तो आजकल ऐसा रुझान हो गया है कि वो तो ये भी कहते हैं कि जी हम इन एक्टरों को देखने भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये इन लोगों ने बड़ा खराब काम किया हुआ है माली में। तो हमारी आवाम को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारी आवाम होनी चाहिए जिसको ये समझना चाहिए कि उनको ये फिल्में देखनी है, उन्हीं को पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा लाना है। अब आप 70 का दौर देख लीजिए, 80 का दौर देख लीजिए, वही मुराद साहब थे जिनको चॉकलेटी हीरो कहा जाता था, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री वॉज फ्लरिशिंग। तो इस वक्त मसला ये है कि जितने भी आपके ये सिनेमाज हैं, जितने भी जो सिनेमा ओनर्स हैं या सिनेमा वाले हैं, वो बॉलीवुड फिल्म्स को जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो मुताबिक ही होगा लोगों से कि आप कोशिश ये करें कि पाकिस्तानी फिल्मों को ज्यादा देखें, उनको ज्यादा बिजनेस दें। अगर बिजनेस होगा तो हमारे मुल्क में बिजनेस आएगा, पैसा बनेगा, पैसा जनरेट होगा, मनी टू बॉलीवुड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे असल में ज्यादातर जो लोग हैं वो ब्रांड कॉन्शियस वो एक तो बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि अपना लोकल, जब कोई एक ब्रांड होता है अपनी लोकल चीज होती है उसकी, तो वो घर की मुर्गे दाल बराबर वाली सी एक बात हो जाती है। इसी सिलसिले में एक सैयद नूर साहब ने कुछ कहा था बॉलीवुड के जो मूवीज थी उनको बैन करने के सिलसिले में, उसमें कुछ बताना पसंद फरमाएंगे आप? मैं ये कहूंगा कि सैयद नूर साहब बहुत ही एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, पिछले 15-20 सालों से वो फिल्में बना रही है और पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। न सिर्फ वो बल्कि बहुत सारे ऐसे नाम है, शुएब साहब हैं जिन्होंने 2 फिल्में बनाई हैं अब तक, उसके अलावा जरार रिजवी साहब हैं, उसके अलावा अभी एक फैसल बुखारी साहब हैं जिन्होंने फिल्म रिलीज की थी। तो उनका जो कहना है, उनका जो मुतालबा है वो ये है कि कम से कम जब पाकिस्तानी